Ni hao. Who, me, you? We all like Chinese. With Shipra Khanna. जहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ चाइनीज की yummy-licious dishes बनाना. और आज की जो डिश है उसका नाम है चिली गार्लिक प्रॉन्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं प्रॉन्स को मैरिनेट करने वाली हूँ. ये फ्रेश प्रॉन्स हैं. आई हैव लेफ्ट द टेल इंटैक्ट. नथिंग लाइक फ्रेश प्रॉन्स. इसके अंदर जाएगा नमक एंड आई एम गोइंग टू ऐड लेमन जूस ताकि जो इसकी फिशी स्मेल है वो निकल जाए. इसको मिक्स कर देंगे और इसको मैं अब साइड पे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए. परफेक्ट. यहाँ पर मैंने एक वॉक को गरम रखा है. इसके अंदर जाएगा ऑयल. अब इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट. इसे हमें सॉटे करना है. ऑफ कोर्स चिली गार्लिक है तो गार्लिक एंड चिली पेस्ट इज अ मस्ट इन दिस रेसिपी. जब ये सॉटे हो जाए इसके अंदर मैं डालूंगी अनियन. इन्हें भी हमें सॉटे करना है. रेड चिलीज या फ्रेश रेड चिलीज. अगर आपको थाई चिली मिलती है तो यू कैन यूज दैट इज वेल. आई एम गोइंग टू थिनली स्लाइस दीज. आप स्लाइस कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं. ऑलराइट. यहाँ पे अनियंस भी हो गए. अब इसमें जाएगी ये चिलीज. सो बी रेडी फॉर सम स्मोक एंड सम चिली सॉस. इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक एंड शुगर. अ क्विक मिक्स. नींबू हमने ऑलरेडी प्रॉन्स में डाला है. सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स. प्रॉन्स भी मैरिनेटेड हैं. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीस टू द डिश. अ क्विक मिक्स. इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे और प्रॉन्स विल बी रेडी. Before I plate it, I'm going to taste it. Prawns pak chuke hain, they've curled up. Ye pehchan hai ki prawns tayar hain. So without much ado, let's plate it. के ऊपर हम थोड़ा सा ये जो प्रिपेयर्ड सॉस है वो डाल देंगे. इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी. और इसको मैं गार्निश करूंगी कुछ फ्रेश माइक्रो ग्रीन्स के साथ टू गिव इट दैट एक्स्ट्रा फ्रेशनेस. और ये लीजिए चिली गार्लिक प्रॉन्स तैयार हो गए एज हॉट एज इट कैन गेट.